उनका जो ट्रांसलेशन है उसको भी बताते हुए चलेंगे जिससे आप लोगों के और भी ज्यादा समझ में आए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है चीजें उसकी मीनिंग ही नहीं पता होती है तो आंसर करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है ठीक है ना तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाने की निम्नलिखित में से किस पद्धति को अंग्रेजी पढ़ाने की शास्त्रीय पद्धति के रूप में भी जाना जाता है तो इसमें है डायरेक्ट मेथड बाइलिंगुअल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नॉन ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि बाइलिंगुअल मेथड यानी कि द्विभाषी विधि और ग्रामर ट्रांसलेशन विधि यानी व्याकरण अनुवाद विधि नॉन ऑफ़ इनमें से कोई नहीं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाने की कौन सी विधि जो है शास्त्रीय पद्धति के रूप में जानी जाती है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड देशन टेबल मैथड एडोप्टेड बाई प्रतिस्थापन तालिका विधि किसके द्वारा अपनाई गई डॉक्टर वेस्ट यानी डॉक्टर वेस्ट के और एच ई पामर और थर्ड हो जाता है प्रोफेसर सी जी डॉटसन या आपका हो जाता है डॉक्टर जॉनसन तो आंसर की तरफ चलते हैं आंसर आपका हो जाता है बी यानी एच ई पामर हो जाते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्ड योर यानी संचारी दृष्टिकोण से आपका तो इसमें क्या है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव योर राइटिंग स्किल लेक्चर स्किल प्रोनशन स्किल या नॉन ऑफ दीज यानी लेखन कौशल व्याख्यान कौशल उच्चारण कौशल या इनमें से कोई नहीं तो इसमें व्याख्यान कौशल यानी कि लेक्चर कौशल हो जाता है यानी कि बी ऑप्शन राइट है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग लिसनिंग या राइटिंग तो इसमें कह रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम पढ़ना या बोलना या सुनना या क्या है लेखन तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है कि भाषा सीखना शुरू कहाँ से होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं सुनते हैं ना तो सुनने से स्टार्ट होता है तो यहां पे लिसनिंग हो जाएगा लिसनिंग यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट है और आपके जो सीरीज में है वो ए ऑप्शन है यानी रीडिंग यानी बच्चे को आप स्टार्टिंग से लिखना तो नहीं सिखाते हैं आप बच्चा पहले सुनता है फिर उसके बाद समझता है है ना फिर बोलता है फिर लिखता है यानी सुबह पाली सुबह पाली का मतलब होता है पहले सुनना फिर बोलना सुबह पाली फिर पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना यही तो होता है ना तो इस तरह से हो जाता है उसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है काइंड्स ऑफ सपोर्टिनेटिंग कंजेक्शन आर यानी अधीनस्थ संयोजन के प्रकार हैं क्या टाइम परपज कंडीशन ऑल ऑफ यानी क्या कह रहे हैं अधीनस्थ संयोजन के प्रकार हैं वक्त यानी टाइम है ना समय उद्देश्य यानी पर्पस क्या होता है उद्देश्य होता है कंडीशन क्या होती है तो शर्तें होती हैं ऑल ऑफ देम सभी हो जाते हैं तो इसमें ये सभी है यानी ऑल ऑफ देम ये राइट आंसर हो जाता है सम कॉमन सबोर्टिनेटिंग कंजक्शंस आर यानी कुछ सामान्य अधीनस्थ संयोजन है एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज यानी जब तक है ना ऑल दो यानी मानो ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ दीज हो जाता है यानी सम कॉमन सबोर्डिनेटिंग कंजेक्शन आर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन है ए गुड प्लान फोर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी यानी क्या कह रहे हैं इस प्रकार की चित्र रचना के लिए एक अच्छी योजना होगी इंट्रोडक्शन यानी परिचय बॉडी ऑफ द कंपोजिशन यानी रचना का मुख्य भाग कंकुलशन यानी निष्कर्ष ऑल ऑफ दिस ये सभी तो इसमें आपका निष्कर्ष हो जाता है यानी कंक्लूजन यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है और आपका जो इसमें सीरीज में दिए हुए हैं वो डी ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है ना उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है एट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर वर्णात्मक चित्र रचना के लिए निर्देशित हैं। तो इसमें देख लेते हैं स्टडी द पिक्चर केयरफुली पेइंग अटेंशन टू स्पेक्टिफिक डिटेल्स नाउ विड एन दू टेक इन द होल पिक्चर शुड बी बेस्ड ऑन एंड सी इन दिक्चर या ऑल ऑफ डीज तो इसमें समझ लेते हैं इसको की स्टडी द पिक्चर केयरफुली यानी विशिष्ट विवरण पर ध्यान देते हुए चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें नाउ विड एन द फोकस ऑफ टू टेक इन द होल पिक्चर यानी आप पूरी तस्वीर लेने के लिए फोकस बढ़ा यहाँ पे हो जाता है और उसके बाद आपका हो जाता है कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन द केसेस एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर यानी कि निष्कर्ष उन कारणों और परिणामों पर आधारित होना चाहिए जो आप चित्र में देख रहे हैं यानी या ये सभी तो इसमें या ये सभी हो जाता है यानी आलो

यानी टू टाइप हो जाते हैं कौन कौन से हो जाते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक तो यहाँ पे टू टाइप हो जाता है और आपकी सीरीज में डी दिए हुए हैं यानी फाइव टाइप ये आपका राइट नहीं है उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन आपका है वॉट आर द कॉन्टेंट ऑफ गुड लेटर हेडिंग ग्रेटिंग बॉडी ऑफ लेटर ऑल ऑफ दीज यानी क्या कह रहे हैं कि वॉट आर द क्वांटेंट ऑफ गुड लेटर यानी यहां पे हो जाता है कि अच्छे पत्र की विषय वस्तु क्या है क्या है हेडिंग यानी शीर्षक है है ना यानी यानी है ना यानी यानी नमस्कार करना और बॉडी ऑफ लेटर यानी पत्र का मुख्य भाग या ऑल ऑफ दिस ये सभी हो जाते हैं तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये सभी चीजें जरूरी हो जाती हैं है ना उसके बाद क्वेश्चन है हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सप्रेंसिस ऑलरेडी गेंड आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क यानी कौन कहेगा सिखाने के लिए हम, हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप में पहले से ही प्राप्त अनुभव का उपयोग करना चाहिए रॉयबर्न यानी रॉयबर्न ठीक है बिनिंग एंड बिनिंग बाइंडिंग और बाइनिंग हो जाता है उसके बाद आपका है लेटर बी स्टेंड्स यानी लेटर्स बी स्टैंड इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं तो आपका इसमें जो राइट right आंसर हो जाता है वो राइट बर्न यानी ए ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बन अप्रोच मोरिजन अप्रोच या आपका हो जाता है वोल्यूशन अप्रोच या ऑल ऑफ दीज यानी क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में ये है कि द पॉपुलर फॉर्मेट आर लोकप्रिय प्रारूप है हार्बर्टिय दृष्टिकोण मॉरिसन दृष्टिकोण मूल्यांकन दृष्टिकोण या ये सभी हो जाता है तो ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी हो जाते हैं तो डी ऑप्शन आपका राइट है फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन प्लानिंग एक्सक्यूशन ऑल ऑफ दीज क्या कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण योजना निष्पादन मूल्यांकन या ये सभी हैं तो इसमें आपका जो राइट right आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाता है बहुत राम एंड सिस्टर फेल्ड इज राम और उसकी बहन दोनों असफल रहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य है सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य है या आपका मिक्स्ड सेंटेंस मिश्र वाक्य है तो ये कौन सा है यानी बहुत राम एंड हिज सिस्टर फ्रेल्ड इसमें आप कुछ और तो नहीं ना दैट लगाए ना बट लगाए ऐसा कुछ तो नहीं लगा है ना तो ये आपका हो जाता है सिंपल सेंटेंस यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन है We can prove that the earth is round is round हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है तो ये कैसा वाक्य है सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य और मिक्स्ड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य तो ये कैसा है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है क्योंकि देखिए वी कैन प्रूव दैट दैट का यूज हुआ यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पे हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन आपका सिक्सटीन नंबर का है हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस आर दियर यहां पे क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर दियर यानी काल कितने प्रकार के होते हैं चार या दो या एक या तीन तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जो टेंस हो जाते हैं वो थ्री टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं तो प्रजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अब इसमें कौन कौन से टेंस आते हैं तो इस इसपे भी अभी इसमें क्वेश्चन है इसमें इसी में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ठीक है ना हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस आर दियर देखिए वही चीज आ गई कि वर्तमान काल में कितने प्रकार के होते हैं यानी जो वर्तमान काल का है यानी प्रेजेंट उसमें कितने होते हैं तो उसमें फोर होते हैं तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है फोर कौन कौन से होते हैं तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके बाद आपका हो जाता है हाउ मेनी टाइप और फ्यूचर टेंस आर दियर यानी कि भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं है ना तो ये भी आपके जितने भी टेंस है वो चार चार उनके प्रकार होते हैं तो इसमें भी आपका ये फोर टाइप आ जाता है और इसमें कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लेते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपको टेंस बनाने आते हैं टेंस अच्छे से आपके समझ में आते हैं तो आप ये सारी चीजें यानी ग्रामर किस पे डिपेंड होती है तो टेंस पे है ना उसके बाद आपका हो जाता है पास्ट टेंसेस डिवाइडेड इनटू भूतकाल को विभाजित किया गया है डिवाइडेड मतलब विभाजित किया गया है, है ना

फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस इसमें भी राइट right आंसर हो जाएगा और इसमें देखिए सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हो जाते हैं क्वेश्चन आपका हो जाता है हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रिपोजिशन आर देर पूर्व संघ कितने प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशन ठीक है ना तो प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं तो इसमें आपका पांच टाइप यानी पांच ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है सम जर्नल प्रीपोजिशन आर कुछ सामान पूर्व सर्ग है कौन कौन से हैं एट यानी पर हो जाता है एट मतलब क्या होता है तो पर ही तो होता है और ऑन मतलब क्या होता है तो ऑन माने ऊपर है ना तो और उसके बाद फोर के लिए फोर का मतलब क्या होता है तो के लिए होता है और उसके बाद ऑल ऑफ दिस तो यानी सभी हो जाते हैं तो ऑल ऑफ दिस इसमें ये सभी हैं इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कॉम्पुलेशन ऑफ दीज दियर यानी संयोजन कितने प्रकार के होते हैं तो संयोजन देख लेते हैं टू वन थ्री और फोर तो संयोजन आपके टू टाइप्स हो जाते हैं कौन कौन से कोर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिव और कम ऑर्डिनेटिव ये हो जाते हैं आपके ठीक है ना नेक्स्ट बढ़ते हैं चलते हैं क्वेश्चन की तरफ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिव संयोजक समुच्च बोधक के प्रकार है कम्युलेटिव या अल्टरनेटिव या यू ऑल ऑफ दीज तो इसमें आपका जो राइट right आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी हो जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन है फिल द प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस वी कम डैश यानी हम आएंगे एक घंटा यानी क्या कह रहे हैं एट टू इन ऑफ यानी एट का मतलब क्या आप लोग जानते हो पर होता है, है ना और टू का मतलब होता है को और इन मतलब होता है मे और आपका ऑफ मतलब होता है का तो इस तरह से आपका इसमें कि हम आएंगे एक घंटे में इसी तरह से तो बोलते हैं कि हम आएंगे एक घंटे में यानी इन आपका राइट आंसर हो जाता है देखिए आपको हिंदी पता थी तो आपने आप अपने मन में ही आपने इसको सही कर लिया होगा कि यही सही होगा फिर उसके बाद आपका हो जाता है दब पासिंग डैश डैश ए क्या हो जाता है टनल यानी बस गुजर रही थी डैश डैश एक सुरंग से अब कोई चीज गुजर रही है कहीं से तो उसके लिए क्या यूज करेंगे यहां पे देख लेते इन मतलब में ये तो आपको पता है अभी बता चुके हैं ऑल दो मतलब के माध्यम से के माध्यम से और अपॉन मतलब पर हो जाता है और फ्रॉम मतलब से हो जाता है तो ऐसे तो है नहीं तो जहां पे इस तरह कोई चीज पास हो रही है कहीं से जैसे सुरंग से वो पास हो रही अब यहाँ पे क्या है द बस द ट्रेन हो जाता द ऑटो हो जाता कुछ भी हो जाता लेकिन आपको ऑल दो ही यूज करना होता है यानी उसके माध्यम से ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाता है क्वेश्चन है ही इज नॉट एलिजिबल डैश डैश द पोस्ट ऑन एट फोर इन यानी वह इस पद के लिए पात्र नहीं है तो इसमें क्या है ऑन मतलब पर हो जाता है है ना एट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे देख लेते हैं उपर, उपर, एट मतलब पर, फोर मतलब के लिए हो जाता है और इन मतलब में हो जाता है तो वो इसके लिए किसके लिए कि इस पोस्ट के लिए तो के लिए मतलब फोर यानी सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन है आपका फिल इन ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच एंड्रोप्राइट इसमें पुअर डैश ही निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त संयोजक से भरें यानी समुच्च बोधक से भरे वो गरीब है ही इज वेरी पुअर डैश डैश लेकिन खुश है यही तो कहेंगे ही इज happy वो खुश है तो एज वेल एज है ना सात यानी फोर के लिए बट लेकिन नेदर ना तो तो यहाँ पे क्या लगेगा कि वो गरीब है लेकिन खुश है यानी बट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल इज शुभ्रा एक लड़की का नाम है ना केवल ईमानदार है बल्कि सौम्य भी है ये कैसा वाक्य है मिक्सड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिक्सड सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य संयुक्त यानी कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य जटिल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य तो इसमें आपका जो राइट right आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य बी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है क्यों हो जाता है शुभ्रा इज नॉट आल्सो ऑनेस्ट बट आल्सो यहां पे क्या यूज हुआ है बट आल्सो तो यहां पे कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू यानी निम्नलिखित वाक्य को विश्व वाक्य में बदलिए उनके आने की खबर सच नहीं है द न्यूज ऑफ दैट द ही विल बी नोट कम इज ट्रू द न्यूज़ दैट ही विल बी कम इज़ नॉट ट्रू द न्यूज़ दैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू द न्यूज़ इज़ विल कम इज नॉट ट्रू तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाता है यानी कि राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है द न्यूज़ दैट ही विल बी कम इज़ नॉट ट्रू यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सी ऑप्शन ठीक है ना थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस यानी कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए अब में बदलना है तो मिश्र वाक्य में बदलना है When the sunset we returned home, होम यानी जब सूरज डूब गया तो हम घर लौट आए The सन सेट एंड वी रिटर्न होम सूरज डूब गया और हम घर लौट आए sun sets and we वी रिटर्न home, सूरज डूब जाएगा और हम घर लौट आएंगे The सन सेट एंड वी रिटर्न होम सूरज डूब जाता है और हम घर लौट आते हैं तो इस तरह से आपके हो जाते हैं वी रिटर्न होम सूरज डूब जाता है और हम घर लौट आते हैं यानी आपका वी रिटर्न होम ये आंसर राइट हो जाएगा यानी ए ऑप्शन आपका राइट right है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट अंग्रेजी पढ़ाने की सीधी पद्धति किसकी प्रक्रिया के रूप में आई है तो यहां पे समझ लेते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड सबोर्टिनेशन टेबल मेथड बाइलिंगुअल मेथड स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड यानी अनुवाद ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मतलब क्या होता है अनुवाद सह व्याकरण विधि सबोर्टिनेशियन टेबल मेथड यानी प्रतिस्थापन तालिका विधि बाइलेंग्ल मेथड द्विभाषीय विधि स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड यानी संरचनात्मक सह स्थिति जन्य स्थिति जन्य दृष्टिकोण विधि विधि ये हो जाती है तो इसमें आपका जो राइट right आंसर हो जाता है डायरेक्ट मेथड यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड ये हो जाता है यानी ए ऑप्शन आपका राइट right है द स्ट्रक्चरल अप्रोचेज रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न सेंटेंस पैटर्न बोथ ए और बी और लेटर पैटर्न यानी पत्र पैटर्न तो संरचनात्मक दृष्टिकोण संबंधित है किससे संबंधित है तो वर्ड पैटर्न से भी और सेंटेंस पैटर्न से यानी बोथ ए और बी आपका राइट right आंसर हो जाता है यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट right है उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट डिफरेंस डिफरेंटली या नॉन ऑफ दीज एक्जेक्टिव ऑफ डिफर इज भिन्न का विशेषण है तो डिफरेंट या डिफरेंस या डिफरेंटली या नॉन ऑफ दीज तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट है उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल प्रोडक्टिव स्किल मतलब क्या होता है दो उत्पादक कौशल क्या है यही तो यहाँ पे कह रहा है ना लेकिन प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है जो बाहरी दुनिया देखे यानी बाहरी देख सकें वो होता है प्रोडक्टिव स्किल तो इसमें कौन बाहरी दुनिया देख सकती है यानी बाहरी लोग कौन देख सकते हैं तो लिसनिंग स्पीकिंग या लिसनिंग राइटिंग तो लिसनिंग तो आपने सुना उसके बाद स्पीकिंग राइटिंग हो जाता है, है ना तो स्पीकिंग जब आप बोलेंगे तो बाहरी दुनिया देखेगी और लिखेंगे तो बाहरी दुनिया देखेगी यानी प्रोडक्टिव स्किल वो हो जाते हैं जो बाहरी दुनिया देखे तो स्पीकिंग और राइटिंग यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सिटीबेल प्रिपोजिशन द बुक्स आर डैश डैश द टेबल ऑन अपॉन इन फोर तो इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त से भरिए तो आपको पता है ऑन मतलब क्या होता है पर होता है ऊपर ही तो होता है अपॉन मतलब भी ऊपर होता है और इन मतलब में होता है और फोर मतलब होता है के लिए तो किताबें मेज के ऊपर रखी है तो ऑन द टेबल है ना तो ऑन द टेबल यानी ऑन हो जाता है क्वेश्चन है आपका चूज ए अबल प्रीपोजिशन यानी एक उपयुक्त तो पूर्व सर्ग चुने डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना डैश डैश द बॉयज आर गर्ल ऑफ योर क्लास क्या कह रहे हैं कि ये केले बांट दो डैश डैश अपनी कक्षा के लड़के लड़कियों यानी बहुत सारे लड़के लड़कियां कक्षा में उनको बांटने हैं तो यहाँ पे ऑन मतलब ऊपर हो जाता है अपॉन मतलब भी ऊपर हो जाता है फोर मतलब के लिए हो जाता है अमंग मतलब होता है के बीच में यानी सभी के बीच में बांटना है और जो चीज सभी में बांटनी होने दो से ऊपर बहुत सारे लोगों में कोई चीज बांटनी हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं का यूज करते हैं यानी कि आपका जो आंसर डी हो जाता है वो राइट right हो जाता है क्योंकि क्लास में तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं ना तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है उसके बाद क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एप्रोच रिलेटेड टू क्वेश्चन है यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण संबंधित है वर्ड पैटर्न या आपका हो जाता है सेंटेंस पैटर्न सेंटेंस पैटर्न मतलब वाक्य पैटर्न ए और बी दोनों और लेटर पैटर्न यानी आपका पत्र पैटर्न ये आपका रिपीटेड है यानी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आंसर आपका हो जाता है वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न यानी ए और बी दोनों हो जाते हैं यानी सी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है क्वेश्चन है आपका ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डैश डैश मी उसे बहुत इसने हैं डैश डैश मुझसे टू मतलब को होता है टू का मतलब क्या होता है तो को होता है फ्रोम का मतलब होता है से और फोर का मतलब होता है के लिए फोर का मतलब के लिए विद मतलब क्या होता है के साथ तो अब यहाँ पर आप देख लें ही हैज़ ए ग्रेट अफिक्शन डैश डैश मी आंसर हो जाता है फोर इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है क्वेश्चन आपका है विच प्राइमरी टू बी डेवलप्ड थ्रो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से कौन से प्राथमिक कौशल विकसित किए जाते हैं तो इसमें देख लेते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग तो आपका जो आंसर हो जाता है यानी प्राइमरी स्किल प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड आंसर इसमें हो जाता है रीडिंग एंड राइटिंग ये हो जाता है तो रीडिंग एंड राइटिंग यानी बी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है डायरेक्ट मैथड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट मैथड यानी प्रत्यक्ष विधि को इस नाम से भी जाना जाता है सबोर्डिनेशन मैथड यानी कि आपका प्रति ये हो जाता है प्रतिस्थापन विधि हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है नेचुरल मैथड प्राकृतिक विधि हो जाता है और डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड यानी डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति हो जाता है इसमें आपका जो आंसर हो जाता है डायरेक्ट मैथड इज ऑल्सो नॉन एज तो नेचर मैथ नेचुरल मैथड यानी सी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है बीवेर डॉक्स क्या कह रहे हैं सावधान डैश डैश कुत्तों अब इसमें फ्रोम टू ऑफ़ फ्रोम का मतलब क्या होता है से फ्रोम का मतलब से होता है और टू का मतलब को होता है और का, का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है तो का होता है नॉन ऑफ दीज तो बियर यानी सावधान रहो कुत्तों से है ना तो कुत्तों से आप सावधान रहो तो यहाँ पे आ, सी ऑप्शन यानी जब वेयर आता है तो उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है ये चीज आप ध्यान रखें देखिए हिंदी यही निकली कि कुत्तों से सावधान रहो लेकिन यहां पे विवेन रहा है तो इसलिए आपका ऑफ आएगा हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मैथड मैक्समियन सी सीजे डॉटसन कृपा के गौतम नॉन ऑफ दीज हो जाता है तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है देख लेते हैं पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि ये कह क्या आ रहा है तो प्रत्यक्ष विधि का विकास मैक्समिलियन वर्डलिज जैसे डॉटसन कृपा के गौतम या इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता है फर्स्ट यानी मैक्समिलियन वर्डलाइज हो जाता है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर अब सेकेंडरी लैंग्वेज कौन है तो रीडिंग एंड राइटिंग यानी माध्यमिक माध्यमिक भाषा कौशल है तो रीडिंग एंड राइटिंग होता है ना तो रीडिंग और राइटिंग हो जाता है सबसे पहले क्या बच्चा सुनता है फिर क्या करता है सुबह पाली फिर बोलता है फिर यानी सुबह पाली, पाली यहाँ पे समझ लेते हैं सुबो पाली अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे सुनना बोलना फिर पढ़ना और लिखना यही तो होता है तो ये सेकेंडरी है और प्राइमरी कौन होती है सुनना बोलना हो जाती है, है ना और प्रोडक्टिव जो दिखें ये हो जाती हैं और दिखती कौन है जब आप लिखते हैं तो दिखता है लोगों को यानी दु, बाहरी दुनिया उसको देख सके तो लिखते हैं तो दिखता है और बोलते हैं तो वो आप वो देख सकते हैं तो इस तरह से आपका हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन है आपका शी इज इलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर यानी वह डैश डैश पद के लिए पात्र है कध्यापक तो इसमें टू फ्रोम फोर विद तो आपको पता है यानी टू मतलब को फ्रोम मतलब से फोर मतलब के लिए विद मतलब के साथ तो इसके साथ यानी के लिए शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन है हाउ मैनी स्लेबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन जनसंख्या शब्द में कितने अक्षर हैं टू फोर थ्री फाइव तो आंसर हो जाता है आपका फोर हो जाता है इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरें इफ आई वेयर ए रिच मैन आई डैश डैश यू यदि मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं डैश डैश आप वुड हेल्प मदद करेगा हेल्प मदद वुड हैव हेल्प यानी मदद की होगी या नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं तो यदि मैं अमीर आदमी होता तो मदद की होती है ना तो वुड हैव हेल्प ये आपका ऑप्शन right राइट right हो जाता है यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है वी हैव वॉन द मैच विच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड दीज दीज होता है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमने मैच जीत लिया या किस प्रकार का वाक्य है नेगेटिव तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे नोट का यूज ही नहीं हुआ है पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव या ऑल ऑफ दिस तो इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी नहीं हुआ तो इसलिए ये भी कट गया जब ये सारे ये दोनों कट गए तो ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल ही कट गया ऑल ऑफ द और उसके बाद यानी उपरोक्त सभी आप बचा क्या तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक तो इस तरह से भी आंसर आप निकाल सकते हैं अगर आपको देखिए जो सही है वो नहीं आता है तो जो गलत है अगर वो आ रहे हैं तो उनको आप काटते चले जाएंगे तो आपका सही निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन आपका हो जाता है वी हैव यहाँ पे ये वाला हो गया है वी हैव ऑन द ये हो गया है आपका ही ए लेटर विच टाइप ऑफ सेंटेंस स इज दिस हो जाता है और ये वाला भी would have हो गया नेगेटिव है ये आपका नेगेटिव है या आपका पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है या ऑल ऑफ दिज ही डिड नॉट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है यानी नेगेटिव है तो इस तरह से आप यहाँ पे नेगेटिव uh, पे कर देंगे देखिए पॉजिटिव तो है नहीं क्योंकि नॉट लगा हुआ है इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा ऑल ऑफ अब ये तो आपका गलत ही हो गया नेगेटिव है क्योंकि नॉट है तो नेगेटिव हो जाता है क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट राजन इज क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है राजन चतुर है राजन इज क्लीवर राजन आर क्लीवर राजन क्लीवर राजन ऑल ऑफ द एबव ये हो जाता है अब इसमें समझ लेते हैं देखिए राजन यानी कि सब्जेक्ट कैसा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन है और राजन जैसे ही शी इट किसी का नाम कुछ ऐसा होता है तो वहां पे क्या यूज होता है तो वहां पे इज का यूज होता है और जब इज का यूज हुआ है तो यहां पे देखिए इज का यूज हुआ है अब यहां पे देखिए आर का यूज हुआ तो राजन के साथ आर का तो यूज़ नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ आप आर का यूज नहीं कर सकते हैं और राजन क्लियर क्लियर यानी यहाँ पे किसी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ ऑल ऑफ द एब यानी ऑल ऑफ द एब तो उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये आपका गलत है इसलिए उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं तो इसलिए राजन इज इस क्लेवर ये हो जाता है क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टी एल एम कैन बी यूज इन इंग्लिश टीचिंग किस प्रकार की कि टी एल एम अंग्रेजी शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है कलर फूड फ्लावर्स ऑल ऑफ द एबो तो सभी तरह के है ना सभी तरह के जो हो जाते हैं वो यूज किए जा सकते हैं इसलिए आपका ऑल ऑफ आपका राइट हो जाता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंजन आर फाउंड कंजन आर फाउंड हो जाता है तो यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्टी टू आपका किस प्रकार का टी ये हो जाता है फिफ्टी टू है समुच्च बोधक कितने प्रकार के पाए जाते हैं तो वन टू थ्री फोर टू टाइप तो बी ऑप्शन आपका राइट right हो जाता है इसमें आपका डी दिए दिए हुए टू टाइप राइट हो जाता है सबोर्डिव कोऑर्डिनेटिव ये हो जाते हैं उसके पास तीन कार है सही ट्रांसलेट करें अब उसके पास तीन कारें हैं उसके पास तीन कारें हैं उसके पास तीन कारे हैं उसके पास तीन सबका मतलब यही है ही हैज थ्री कार्स हैज है ना तो हैज लगेगा ही हैज थ्री कार्स क्योंकि तीन है इसलिए एस लगेगा अब यहाँ पे ही हैज थ्री कार तो ये आपका गलत गलत हो जाएगा ही के साथ हैव नहीं लग सकता इसलिए ये गलत है ही हैव थ्री कार ये भी तो ही हैज थ्री कार्स ये आपका राइट right आंसर हो जाता है वह स्कूल कभी नहीं जाता है सही ट्रांसलेशन करिए ही नेवर टू स्कूल ही नेवर गो टू स्कूल ही नॉट गो टू स्कूल ऑल द अबव तो वो स्कूल कभी नहीं जाता है ही नेवर गज टू स्कूल गज देखिए ही है तो एस या एस का यूज़ होता है जाता है तो गो और इसके साथ ई एस का यूज़ करेंगे तो ये हो जाता है ही नेवर अगर यहाँ पे गो आपने लिखा है तो गो यू वी दे के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्यों में कितने प्रधान उपवाक्य पाए जाते हैं टू थ्री वन फाइव कितने पाए जाते हैं तो समझ लेते हैं इसमें वन तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड इज आल्सो नॉन एज सह व्याकरण विधि को हम इस रूप में भी जान जान सकते हैं क्लासिकल मेथड यानी शास्त्रीय विधि और कंपेटिव मेथड यानी प्रति विधि हो जाती है और एनालिस्टिक मेथड यानी कि आपका विश्लेषणात्मक विधि हो जाती है और साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि हो जाती है तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाता है तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड इज ऑल्सो नॉन इज क्लासिकल मैथड यानी शास्त्रीय विधि ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है द ऑरिजिन ऑफ डायरेक्ट मैथड इंग्लिश फ्रांस इटली अमेरिका अब यहाँ पे इंग्लैंड ठीक है ना इंग्लैंड होता तो आपका राइट right होता और कहीं कहीं पे ये चीज़ इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इंग्लैंड है या फ्रांस लेकिन कहीं कहीं पे इंग्लैंड होता है और इसमें उन्नीस सौ में है ना इसके जो इन्वेंटेड उन्नीस तो सौ में तो ये आपका राइट हो जाता है और कहीं कहीं पे फ्रांस होता है ज्यादातर बुक्स में फ्रांस दिए हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड भी है तो आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश डैश द ट्रेन लेफ्ट अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल पड़ी अब इसमें एज एज जैसे एज मतलब क्या होता है जैसे देन मतलब से होता है देन और वन मतलब कब होता है वन मतलब कब होता है और इफ़ यदि होता है है ना इफ़ यदि होता है तो वैन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वन हार्डली आड आई रीज स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट ये हो जाता है आपका यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है हालांकि सेशन कंप्लीट हुआ है लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है ये दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि दो पार्ट्स में इसको किया जाए सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके और फ्रेंड्स चीज करना चाहेंगे कि देखिए आप लोग लाइक लाइक नहीं करते हैं क्या कीजिए क्योंकि हम अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं आप लोगों को और यही चीज हम हमारे मन में एक चीज रहती है कि आप लोगों को ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके तो उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है हैंड तो आप लोगों का भी एक रहता है फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी लाइक करें तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस तरह से आपको अच्छा सा अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करा पाएँ तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें थैंक यू